लापता महाराष्ट्र बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री सना खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सना को उसके पति पप्पू उर्फ अमित साहू ने ही मार डाला। पुलिस के मुताबिक अमित ने गुनाह कबूल कर दिया है। उसने बताया है कि झगड़े में डंडे से मारा जिससे उसकी जान चली गई, फिर शव को नदी में फेंक दिया। अब तक सना की लाश पुलिस खोज नहीं पाई है, नदी में लाश की तलाशी हो रही है। तस्वीर में दिख रही ये महिला अब बस तस्वीरों में ही कैद होकर रह गई। महाराष्ट्र के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री सना खान बस यादों में ही हैं। कई दिनों से लापता चल रही सना खान अब इस दुनिया में नहीं है। सना खान की हत्या कर दी गई, हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। जबलपुर पुलिस ने सना खान की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। सना के पति और बिजनेस पार्टनर पप्पू उर्फ अमित साहू ने हत्या की बात कबूल ली है। अमित ने पुलिस को बताया, कारोबारी विवाद में झगड़े के बाद सना को पहले अपने ही घर में डंडा मारकर हत्या कर दी। लाश को जबलपुर से 45 किलोमीटर दूर हिरण नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। जानकारी प्राप्त हुई की तस्दीक हेतु जबलपुर पुलिस और नागपुर पुलिस लगातार तस्दीक कर रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा हम लोगों को ये निर्देश है पूरी टीम को कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही उसकी बॉडी मिलती है तो उसमें अनुसार वो नागपुर पुलिस कार्रवाई करेगी। सना 2 अगस्त को नागपुर से जबलपुर आई थी। उसके बाद परिवार से उसका संपर्क टूट गया था। घर वालों ने नागपुर के मनकापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। सना बीजेपी की नेता थी, लिहाजा नागपुर पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पड़ताल में मोबाइल का आखिरी लोकेशन जबलपुर का गोरा बाजार इलाका में दिखा। पुलिस की तहकीकात के बाद अमित साहू के फ्लैट में आने का पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि दोपहर को तेज आवाज आ रही थी, लेकिन तब तक पुलिस को ना तो सना का पता चला और ना ही अमित का। हमें ऐसा पता चला है कि उसका मर्डर हो चुका है और उसकी हत्या करके लाश को हिरण नदी में फेंक दिया गया है। परंतु यहाँ का प्रशासन इतना पुलिस प्रशासन स्लो चल रहा है कि 2 तारीख की घटना को आज तक के आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बॉडी कहाँ है ये हमें पता नहीं है। परिजन सारे परेशान हैं और सभी जगह हो हल्ला हो गया है। 7 अगस्त को पुलिस ने अमित साहू को गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर सना खान की हत्या की बात सामने आई। अमित और सना ने इसी साल अप्रैल में कोर्ट मैरिज की थी। दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अमित ढाबा चलाता था, अवैध शराब का धंधा भी करता था। इसी धंधे से तंग आकर उसकी पहली पुलिसकर्मी पत्नी उससे अलग हो गई थी। कहते हैं इसी गलत धंधे के कारण सना से भी उसकी लड़ाई होती थी। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था और इसी के कारण उसकी हत्या की गई। पुलिस ने अमित साहू और उसके नौकर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर से धीरज शाह के साथ नागपुर से योगेश पांडे, आज तक।